नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पर्पल। हरियाणा हेल्थ केयर बोर्ड के सदस्य दीपक मेहता का कालावाली पहुंचने पर जोरदार स्वागत। हरियाणा हेल्थ केयर के सदस्य दीपक मेहता एलनाबाद कालावाली पहुंचने पर लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन व आरएमपी एसोसिएशन द्वारा ओडा रोड पर स्थित सालासर धर्मशाला में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार द्वारा सभी लैब एवं डीएमएलटी की मान्यता रद्द करके एमबीबीएस डॉक्टर की अनिवार्यता जरूरी कर दी गई है, जिस कारण लैब टेक्नीशियन व सरकार के बीच में पिछले कई समय से खींचतान चल रही है। वह लगातार धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, परंतु हरियाणा सरकार ने लैब टेक्नीशियनों को राहत देने के लिए एक हेल्थ केयर बोर्ड का गठन किया है। इसी बोर्ड के सदस्य दीपक मेहता एलनाबाद आज कालावाली पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मेहता ने कहा कि सरकार लैब टेक्नीशियनों को डिप्लोमा व आरएमपी डॉक्टरों को अनुभव के आधार पर रजिस्टर करके विचार कर रही है और यह प्रक्रिया 3 से 4 महीने में पूरी कर ली जाएगी। वहीं कालावाली लैब एसोसिएशन के प्रधान संजीव शिंगला ने बताया कि सरकार द्वारा बनाए गए हेल्थ केयर बोर्ड के सदस्य दीपक मेहता जी यहाँ पर पहुँचे हैं। उन्होंने हमारी समस्याएँ सुनी हैं और वे अपने सुझाव दे रहे हैं। हम सरकार की इस पहल का स्वागत करते हैं। इस मौके पर कालावाली क्षेत्र में लैब टेक्नीशियन और आरएमपी डॉक्टर भारी संख्या में मौजूद हैं। कालावाली से कैमरामैन जगतार सिंह के साथ विमल गुप्ता की ये रिपोर्ट। 2004 दे विच भी एक बड़ी प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी, लेकिन वो प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी। हुण एक जिहड़ी है बोर्ड का गठन किया गया है। बोर्ड दे विच 7 मैंबर हैगे ने, एक जो है चेयरमैन है डॉक्टर ऋषिपाल सैनी के अध्यक्षता दे बोर्ड का चयन होया, जिहदे च एक मैंबर मैं हैगा। साडा मेन काम यह है कि आर एम पी डॉक्टर्स का रजिस्ट्रेशन करवाने की पूरी की जाए। हम ये देखा जा रहा है कि लीगल तौर पर एक्सपर्ट बैठे ने, वो किस तरीके क्लीयर करते हैं और वो जरा है पास हो सकता है। लैब टेक्नीशियन के बिना की रोल है? लगभग 20,000 परिवार जो है लैब टेक्नीशियन से प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने वास्ते भी एक सरकार ने मतलब इस बोर्ड के ही रखे है कि जोड़ा है सुचारू रूप का जो है ऐसा भी कोई चीज 3 से 4 महीने के सारा काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि गठन बन हो चुका है, सारा कुछ हो चुका है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है इसी थे और सिस्टम भी है, सारा जोड़ा है लगभग हो चुका है। एक्सपर्ट बैठे ने, बस थोड़ी जो कमी है जल्दी पूरी हो जाएगी। प्रदेश के विस्तार किन्ने आरएमपी थे, किन्ने लैब टेक्नीशियन थोड़े समय डिटर होंगे या किन्ने कर चुके हैं? सरकार की कोशिश यह है कि जो ये काबिल है वो सारे आरएमपी रजिस्टर्ड हो, सारे लैब टेक्नीशियन रजिस्टर्ड हो, सारे ने डिप्लोमे किए हुए हैं, अथोराइज है और काफ़ी सालों तो कर रहे हैं। और उस तरीके ही आरएमपी जोड़े है वो टाइम तो कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और अथोराइज करने की पूरी कोशिश की। सर, लैब टेक्नीशियन का जो डिप्लोमा है पर जो आरएमपी एम की क्राइटेरिया रहेगा? क्राइटेरिया डिसाइड करने वास्ते ही एक्सपर्ट बैठे हैं, उन्होंने एक्सपीरियंस या जो है वो वास्ते ही एक एक्सपर्ट टीम बैठी है, ताकि उन्होंने उन्होंने इंतजाम जोड़ा पक्का हो जाए, परमानेंट आने वाले टाइम में उन्होंने कोई दिक्कत ना आए। सर, आरएमपी से लैब टेक्नीशियन कैटेगरी पाया जाएगा या सेम कैटेगरी होगी? हेल्थ केयर वर्कर बोर्ड बनाया है, वो अंडर ही आएंगे। नहीं मतलब कैटेगरी जिम्मे कि आरएमपी भी टेस्ट कर सकेगा, फिर तां लैब टेक्नीशियन भी टेस्ट कर सकेगा? नहीं, आरएमपी डॉक्टर का काम है हर डॉक्टर नु पेशेंट नु जेड़ा है ट्रीटमेंट देना, और लैब टेक्नीशियन का काम है टेस्ट करना। अब दो कैटेगरी में कोई होनी है, एक टेस्ट करेगा एक मतलब ट्रीटमेंट करेगा, बोर्ड एक रहेगा, बट दोनों के काम डिफरेंट है। जो आज की मीटिंग रखी गई है उसमें क्या उद्देश्य है सर आपका? पहले तो मैं सबसे पहले आप पल पल की टीम और सभी का पहरेदार और पंजाब केसरी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि आपने अपना समय निकाल के यहाँ पे। देखिए, हमारा काफ़ी टाइम से लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन का और अनुभव विधागर जो आरएमपी जिनको आप झोला छाप कहते हो उनका हमारा संघर्ष चल रहा था काफ़ी टाइम से। अभी कुछ समय पहले हरियाणा सरकार ने एक हेल्थ केयर बोर्ड का गठन किया है, जो कि हमारी मांगों को लेकर ही किया गया है। उसमें लैब टेक्नीशियन और आरएमपी को अनुभव के आधार पर पंजीकृत करने का कार्य शुरू किया गया है। उसके जो आज के बोर्ड के मेंबर बने हैं दीपक मेहता जी एलनावा से, वो डीएमएलटी भी हमारे साथी हैं,
आज वो इसी मीटिंग को लेके उनके विचार लेने के लिए, सुझाव लेने के लिए जहाँ आए थे, उनका सम्मान समारोह करने के लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए। कुछ है, कुछ कमियाँ थी वो हमने सबको लिखित में दिया है और सरकार से हम यही उम्मीद करते हैं कि जो इतने टाइमों से 20,000 के करीब लैब टेक्नीशियन है और 1,25,000 के करीब हरियाणा में RMP डॉक्टर है, इनको सही ढंग से रजिस्ट्रेट करके, पंजीकृत करके इनको काम करने की इजाज़त दी जाए ताकि प्रदेश की जनता जो पहले ही त्राही त्राही कर रही है उनको कुछ निजात मिल सके और जो स्वास्थ्य सेवाओं में दिनों दिन गिरावट आ रही है, सरकारी अस्पतालों के हालात आपसे छुपे नहीं हुए हैं, उनमें भी सुधार हो सके। और यही हम गुजारिश इनसे की है और यही हमने लिखित में और मौखिक में इनको दी।